हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल टेक्निकल अफरोज। आज हम बात करेंगे, हमारे पास एक फ़ोन आया हुआ है जो कि जियो का है, लाइव 220 बी। आइए देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। देख सकते हैं जो कि डिस्प्ले में लकीर आ रहा है, जो कि कोई इसमें नया डिस्प्ले लगाया, हो सकता है कि इसका डिस्प्ले ख़राब हो। आइए हम इसमें दूसरा डिस्प्ले लगा के देखते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस हम बताएंगे क्या करना होगा, अगर सही नहीं होता है तो। आइए पहले हम दूसरा डिस्प्ले लगाते हैं। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, इसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि एलसीडी प्रॉब्लम कहां कहां से आ सकता है, जो कि सिर्फ ये प्रॉब्लम एलसीडी ख़राब होने से नहीं होता है। आइए देखते हैं, देख सकते हैं डिस्प्ले कैसे लकीर मार रहा है। पहले तो हम इसमें दूसरा डिस्प्ले लगा के देखते हैं। यानी कि इसमें कोई डिस्प्ले लगाया है, हम भी इसमें डिस्प्ले दूसरा लगा के देख लेते हैं। आइए देखते हैं, हमारे पास एक डिस्प्ले है जो कि बिल्कुल ओरिजिनल है। इसमें भी वही प्रॉब्लम अगर आता हो तो फिर आगे का प्रोसेस हम आपको बताएंगे क्या करना होगा। आइए देखते हैं। बैटरी लगा नहीं है लगता है सही से। आप देख सकते हैं जो कि हम ओरिजिनल डिस्प्ले भी इसमें लगा के देख लिया हूँ, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे क्या करना होगा जो कि डिस्प्ले प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पहले तो आपको इसको खोल लेना होगा, उसके बाद ये आइए इसको पहले हम थोड़ा सा पेस्ट लगा के इसको हीट करते हैं, उसके बाद फिर चेक करेंगे डिस्प्ले प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। ज़्यादा हीट नहीं करना है, हल्का हल्का हीट करना है। पेस्ट लगा दिया हूँ, इस आईसी को हीट करना है। जो कि ये डिस्प्ले आईसी है, ग्राफिक आईसी है, इसी से आपका डिस्प्ले में ग्राफिक जाता है। हल्का हीट करना है, ज़्यादा हीट करने के कारण आपका सेट डेड भी हो सकता है। सबको हल्का हल्का हीट कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा ठंडा लेना है। उसके बाद आइए हम चेक करते हैं।
आप देख सकते हैं डिस्प्ले का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है लगता है, अभी तक तो लाइनिंग नहीं आया है। आपको तो पता ही है मोबाइल खुलने में टाइम लगता है, अभी तक लाइनिंग नहीं आया हुआ है, देख सकते हैं डिस्प्ले का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अगर आपका काम बन गया हो तो मेरा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ऑन करें। धन्यवाद।